कुक्षी विधायक व नगर परिषद अध्यक्ष मुकाम से किराने ने पत्रकार वार्ता बुलाकर मध्य प्रदेश शासन की कई जन विरोधी नीतियों का जमकर विरोध करते हुए उसकी शीघ्र विदाई के संकेत दिए हैं। किराना ने भाजपा शासनकाल की अनेक जनहितैषी योजनाओं को चुन चुन कर बंद करने के कार्य को असंवैधानिक बताते हुए मध्य प्रदेश शासन को पूर्ण रूप से फ्लॉप बताया है। किराड़े द्वारा पत्रकारों के अनेक प्रश्नों का जवाब देते हुए नगर के विकास हेतु सभी नागरिकों का सहयोग चाहा। धार महू लोकसभा का पूर्व में चुनाव लड़ चुके किराड़े ने शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के सुखद दिनों को ऐतिहासिक बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक ही उद्देश्य है, मैं इस क्षेत्र का पूर्व विधायक हूँ, नगर पंचायत अध्यक्ष भी हूँ और मध्य प्रदेश सरकार जिस तरह का बर्ताव क्षेत्र की जनता के साथ कर रही है वो बर्ताव बिल्कुल अशोभनीय है। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, जो छात्रों की योजनाएं हैं, जो स्वास्थ्य की योजनाएं हैं, वो सारी ठप पड़ी हुई है। किसानों को जितने भी वादे किए थे वो किसानों के वादे पूरे नहीं किए हैं और किसान आज मतलब कई परेशानी से जूझ रहा है। बिजली के क्षेत्र में भी आप जाओ हर आधे घंटे में बिजली जाने लग गई है। कल ही मैं वहाँ गया था बालीपुर, तो एक मोटर रिवाइंडिंग वाला बड़ा खुश होकर बोल रहा था कि यार आज मेरे यहाँ 10-10 मोटर रिवाइंडिंग आने लग गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की सरकार में एक रिवाइंडिंग मोटर भी नहीं आती थी, इतनी व्यवस्था।